हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट गवर्नमेंट पोस्ट में। देखिए, यूपीटेट 2022 का जो एग्ज़ाम हुआ 23 जनवरी को, प्रथम पाली फर्स्ट पेपर की बात करेंगे तो गणित में आए हुए जितने भी प्रश्न हैं इन सभी के आंसर्स आप लोग मैच कर लीजिए। सभी प्रश्नों का यहाँ पर आपको आंसर की मिल जाएगा और साथ ही साथ इनके हल भी आपको मिलेंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। जिन लोगों ने अपने हिंदी के प्रश्न मैच नहीं किए आंसर की के साथ में, तो नीचे प्लेलिस्ट में जाकर के या डिस्क्रिप्शन में जाकर के या फिर होम पेज में जाकर के उस वीडियो को जरूर देख लें और अपने हिंदी के प्रश्नों के आंसर की को मैच कर लें। चलिए देखिएगा, पहला क्वेश्चन 91 नंबर है। इसमें पूछा गया था, यदि अवरोही क्रम में रखे गए आंकड़ों के दोनों छोरों से परीक्षण हटाए जाते हैं तो केंद्रीय प्रवृत्ति के कौन से मापक प्रभावित होते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो सकता है, देख लीजिए। ऑप्शन नंबर 92 में देखिए ये सेट ए है आपका, जिनका बुकलेट ए है तो उनका तो मैच करेगा, नहीं तो प्रश्न के हिसाब से मैच करिए। प्रश्न देखिए, इसका आंसर आपका क्या निकला था। 5 सेंटीमीटर बाजू वाले एक घन के सभी फलकों पर रंग लगाया जाता है, यदि इसे 1 सेंटीमीटर घन या 1 सेंटीमीटर क्यूब वाले घनों में काटा जाता है तो 1 सेंटीमीटर क्यूब वाले घनों की संख्या कितनी होगी जिनका एक फलक रंग तो रंगीन होगा एक फलक। तो यहाँ पर देखिए 54 आएंगे। अगला प्रश्न है, पंचभुज के अंताकोणों का योग कितना होता है। तो अंताकोणों का योग होता है 540। अगला क्वेश्चन ये था आपका, एक प्रश्न ये भी था कि एक खंभे का 4/7 भाग कीचड़ में धंसा है, जब धंसे हुए भाग का 1/3 भाग बाहर खींचा जाता है तो पाया जाता है कि 8 मीटर माप का खंभा अभी भी कीचड़ में ही है। तो खंभे की पूरी जो माप आएगी वो आएगी, खंभे की पूरी माप 21 मीटर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, ए और बी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, बी और सी उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं, सी और ए उसी काम को 22 दिनों में कर सकते हैं, तो ए अकेले उसी काम को कितने दिनों में करेगा। आंसर भी मैच कर लीजिए, सॉल्यूशन मैं आपको शाम को प्रोवाइड करूँगा। तो 30 दिन में, 30 डेज जिसका आंसर आया बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न यहाँ पर, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस उसके विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस का 3/2 है तो लाभ या हानि प्रतिशत होगा। पहले तो ये पता होना चाहिए कि लाभ हो रहा है या हानि, तो हानि हो रहा है 33/3%। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन में, 97 नंबर है जिसमें संख्या दी गई है। संख्या क्या दी गई है ध्यान दीजिएगा, 121012 को 12 से अगर भाग देंगे तो शेषफल रिमाइंडर पूछा गया, तो रिमाइंडर दोस्तों यहाँ पर आएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, अगला क्वेश्चन ये रहा, संख्याएं दी गई हैं, संख्याएं यहाँ पर हैं 4 और चारों ही गुणे में हैं। गुणनफल में पूछा गया इकाई का अंक निकालिए, तो इकाई का अंक यहाँ पर 4 आ जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न ये रहा, 99 नंबर का है, हालांकि आपको केवल क्वेश्चन मैच करना है, क्वेश्चन नंबर पे नहीं जाना, कि क्वेश्चन नंबर पे जाएंगे तो बुकलेट आपका चेंज होगा तो क्वेश्चन नंबर भी चेंज होगा। इसमें है कि दिए गए आंकड़ों का माध्य दिया था, बहुत ध्यान से करना, माध्य दिया था और माध्यक पूछा था, तो यहाँ पर लोग परेशान हो गए। हालांकि आंसर यहाँ पर पहले वाला सही होगा, 4.5 कैसे आएगा, सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आपके आंसर्स मैच हो रहे हैं तो सेशन को लाइक करना मत भूलिएगा, लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ में। सांख्यिकी में विचरण का जो विश्लेषण होता है, इसका नाम का विधि का जो मुख्य श्रेय किसको जाता है, तो हालांकि इसका मैं आपको शाम को ही आंसर बताऊंगा। अगला प्रश्न ये रहा, देखिए जितने सॉल्यूशन वाले हैं वो मैच कर लीजिए। यहाँ पर दिया गया था त्रिभुज ABC के मध्य बिंदु क्रमशः, ये देखिए ये इनके मध्य बिंदुओं को अगर मिला देंगे तो त्रिभुज बन जाएगा, और त्रिभुज बन जाने के बाद में इसका रिलेशन पूछा गया कि ये, तो ऑप्शन नंबर पहला वाला सही हो जाएगा कि त्रिभुज जो DEF जो बीच में त्रिभुज बनेगा छोटा वाला, ये 1/4 गुणे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल के बराबर होगा, मतलब ये 4 गुना होगा, ठीक है। अगला एक ये प्रश्न है, 102 नंबर, इसका भी आप लोग को अगर सही उत्तर पता है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, बाकी के क्वेश्चन मैच कर लीजिए। यहाँ पर देखिए 103 नंबर प्रश्न कह रहा है, यदि दो संख्याओं का अंतर और गुणनफल इतना है तो आपसे पूछा गया है कि गुणनफल और अंतर को देखते हुए आप व्युत्क्रमों का अंतर बताइए। व्युत्क्रमों का अंतर यहाँ पर आ जाएगा 5/36। अगला प्रश्न यहाँ पर ये रहा, कह रहा 20वीं सदी के स्वशिक्षित भारतीय गणितीय प्रतिभावना कौन थे। तो जो स्वशिक्षित भारतीय गणितीय प्रतिभावान व्यक्ति कौन थे, तो 20वीं सदी के, तो पूछा इसमें गया, इनमें से आपको सही उत्तर अगर पता है तो कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न 105 नंबर है, मैं सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको शाम को सॉल्यूशन के साथ में दूंगा, ठीक है। हालांकि अभी अपने मैच कर लीजिए, जितने आपके आंसर मैच कर रहे हैं तो ये समझ लीजिएगा कि
आपके मतलब यहाँ पर जितने क्वेश्चंस के सही आंसर बताए गए हैं सारे, बिल्कुल टेंशन वाली बात नहीं है। 105 नंबर पे दिया गया किसी कमरे की चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल है, वो चारों दीवारों का क्षेत्रफल कुल यहाँ पर दिया गया 660 मीटर स्क्वायर तथा लंबाई उसकी चौड़ाई की दोगुनी है। यदि कमरे की ऊँचाई इतनी है तो उसकी छत का क्षेत्रफल कितना होगा, तो 200 मीटर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर ये रहा, इसमें आपको भिन्न दी गई हैं, तीन भिन्न है, इसमें महत्तम यानी महत्तम बोले तो एच से पूछा गया है, यहाँ पे सही आंसर ये निकल के आएगा 7/330। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, इसमें एक आपको वैल्यू दी गई है 7+210, इसका वर्गमूल पूछा गया, तो वर्गमूल यहाँ पर ये निकल के आएगा। ठीक है, बिल्कुल सही है, सॉल्यूशन मैं आपको शाम को प्रोवाइड करूँगा। हालांकि आंसर अगर मैच होते जा रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगला एक प्रश्न है कि एक वर्ग और एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा उभयनिष्ठ है, समबाहु त्रिभुज की और वर्ग की, एक त्रिभुज की भुजा 4/3 सेंटीमीटर लंबी है, तो इस आकृति को देखते हुए मतलब जो है इस आकृति का परिमाप निकालना है, तो परिमाप यहाँ पर आपका ये आ जाएगा 5/3 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न ये है, इसमें कह रहा है कि 99 से विभाजित संख्या कौन सी है, तो ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा यहाँ पर, मतलब 114,345। इसमें पूछा गया था पाई का जो मान होता है वो क्या होता है परमेशन का, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 4/4 वाला सही हो जाएगा। चलिए, इसको सॉल्व किया होगा आप लोगों ने, बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा होगा, इसका सही आंसर मैं आपको बता दूँ, ऑप्शन नंबर पहला है। अगला प्रश्न ये रहा, 112 नंबर है, इसमें कह रहा है को किसी संख्या से भाग देने पर 167 तथा शेषफल 43 प्राप्त होता है, तो भाजक क्या होगा, इन्हीं डिवाइजर पूछा गया था, तो 96 आएगा 96। अगला क्वेश्चन ये, 50 से छोटे धन पूर्णांकों में अभाज्य होंगे, यानी प्राइम नंबर यहाँ पर फाइंड आउट कर रहे हैं, कितने प्राइम नंबर होंगे, तो टोटल 15 प्राइम नंबर होंगे। अगला प्रश्न ये रहा, दो संख्याओं में से सब बड़ी संख्या का दोगुना छोटी संख्या के 5 गुने से 3 ज़्यादा है, तथा यहाँ पर दिया गया है कि बड़ी संख्या के 4 गुने और छोटी संख्या के 3 गुने का योग 71 है, तो वे संख्याएँ क्या हैं, तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, 14 और 5। चलिए, अगला प्रश्न यहाँ पर है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल जिसकी एक भुजा 8 सेंटीमीटर है, उस आयत के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल जिसकी भुजा 8 सेंटीमीटर तथा आयत के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी भुजा मतलब लंबाई दी गई है 16 सेंटीमीटर, आयत का चौड़ाई याद करना था, आयत का यहाँ पे चौड़ाई निकालना था, तो हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, सही है आपका, यहाँ पर आप लोगों ने सॉल्व किया, तो आंसर अगर आपका 2 आ रहा है बिल्कुल सही आंसर है। चलिए, अगला मैच कर लीजिए, यहाँ पर एक प्रश्न आया था कैलेंडर से, इसमें पूछा 5 जनवरी 1991 को शनिवार है, तो 3 मार्च 1992 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, तो यहाँ पर यह आ जाएगा रविवार। अगला प्रश्न ये रहा, इस तरह का एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन देगा, सिंप्लीफाई करना था इसको, सही आंसर आपका 11/64 है। चलिए, 119 नंबर है प्रश्न, एक त्रिभुज की रचना करनी है जिसमें संभावित भुजाएं क्या होंगी, तो पहले ही आंसर यहाँ पर करेक्ट है, बिल्कुल सही है। चलिए, अगला प्रश्न, आखिरी क्वेश्चन, 30 नंबर का क्वेश्चन है ये, 30वां प्रश्न, √2 √3 4 है, और यहाँ पर √4 √5 है, तो कह रहा है कि आरोही क्रम में व्यवस्थित है, तो ये करने वाले क्वेश्चन थे और इसमें पूछ रहा था कि आरोही क्रम में व्यवस्थित करिए, तो दूसरा वाला यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद है इन प्रश्नों के उत्तर आपने मैच कर लिए होंगे, और जितने क्वेश्चन आपके सही हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, कुछ क्वेश्चन में अगर डाउट हो, आंसर सही नहीं लग रहे हों, तो आप बताइए मेरे को कमेंट करके, हालांकि शाम को मैं आपको सॉल्यूशन सारे प्रोवाइड कर दूंगा। जय हिंद सभी को, अगर वीडियो आपको समझ आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद।